गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो अभी शाम हो रहे है, 7:30 हो रहा है, तो मैं आ गई किचन में। किचन में आई हूँ कुछ नाश्ता बनाने। तो नाश्ते में क्या बनेगा आज, तो चलो वो देखते हैं। तो क्या बनेगा चलो देखोगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा, तो देखना तो पड़ेगा। ये देखो, 4 उबले हुए आलू, 7 अंडे उबाले थे, एक मेरा बेटा खा गया, ये 3 रखे। इसका बनाऊंगी अंडा कबाब। तो ठीक है, आलू को उबाल के रखा है अच्छे से, इसको मैश कर लेते हैं। अच्छे से मैश करना है, कोई दरदरा नहीं होना चाहिए, फिर इसका कोटिंग अच्छे से नहीं होगा। तो चलो बाकी क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ना है इसमें वो दिखाते हैं। लीड दोनों ही खराब हो गया। आलू मैश कर लिया, अब एक एक करके इसमें मसाला ऐड करूंगी। गरम मसाला पाउडर थोड़ा थोड़ा करके डाली हूँ, जो जितना गरम मसाला खाना चाहते हो उतना ही डालना। मेरे घर में गरम मसाला थोड़ा कम चलता है, कम खाते। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और 2 कटा हुआ हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, पर डालना मैं भूल गई थी। तो ये लो, इसको अच्छे से मैश करना है हाथ से, ताकि हर चीज मतलब इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। फिर दिखाते हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और डाला मिर्च पाउडर। क्रिश को ना ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है, तो बच्चा है उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। हमारे टेस्ट के हिसाब से बनाऊंगी तो फिर वो खा नहीं पाएगा, फायदा कुछ नहीं है। तो ये लो, अच्छे से मैश करके इसके ऊपर कोटिंग चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है वो देखो, मैं बिना ये देखो हाथ धो के आई, हाथ में तेल लगा लिया अच्छे से। अब ऐसे लेना है, एक एक गोला लेना है, उठा के इसको गोल बना के अंदर से चपटा करके, मतलब बीच में से अंडा के ऊपर पूरा परत चढ़ाना है। मैं ये अंडा वाला पहली बार बना रही हूँ, मैंने कभी पहले नहीं बनाया। मैंने भी देखा है तो मेरे बेटे को, मतलब बेटा कह रहा है मम्मी मुझे बहुत मन कर रहा है खाने को, बना दो। तो मैं चल ट्राई करते हैं। तो चलो, तो मैं अदरक लहसुन पेस्ट डालना भूल गई थी। बाद में जब मैंने एक पे कोटिंग चढ़ा दिया ना, फिर बाद में याद आया, मैं मुझे लग रहा था कुछ मिसिंग है इसमें, क्या है याद नहीं आ रहा था। बाद में पता चला जब भाई इसमें तो मैंने अदरक लहसुन पेस्ट डाला ही नहीं है। फिर फटाफट ले गई वो जो एक उसमें बना रखा है ना, वो उसको मैं निकाल के फिर दोबारा इसमें मिक्स कर दूंगी। और क्रिश को ना अंदर का जो अंडा में जो एग होता है ना पीला वाला, वो पसंद नहीं है, एगलेस खाता है वो, तो उसको मैं अंदर का जरा वो पीला वाला हिस्सा निकाल के बना के दूंगी, पर वो ठीक से बन नहीं पाएगा। ऐसे कर करके सारा बना लेना है, फिर दिखा दू क्या करना है इसको। बना लिए सारे, अब एक अंडा फोड़ के इसको अच्छे से फेंट लेना है, थोड़ा सा नमक डाल के। ये जो कल मैंने ब्रेड क्रम्स बनाई थी, वो मैंने धूप में देके सुखाकर बिल्कुल कर मतलब कुरकुरा कर लिया। अब देखो कैसे इसमें कोटिंग करती हूँ मैं। थोड़ा सा नमक डाल दिया, इसको एक एक करके ऐसे बना के ना आधा घंटे के लिए फ्रीज में रख दूंगी, ताकि इसके ऊपर की कोटिंग थोड़ा सा टाइट हो जाए। और जब डीप फ्राई करूंगी इसे तो मतलब सही से फ्राई होगा, नहीं तो तुरंत तेल में छोड़ दूंगी ना, तो अंदर के ऊपर का कोटिंग वोटिंग सब घुल जाएगा तेल के अंदर ही, बेकार हो जाएगा। पहले अंडा में कोट कर लिया इसे, अब ब्रेड क्रम्स में
इसको अच्छे से कोटिंग करना है। इसे हिला हिला के आराम से हल्के हाथों से, बिल्कुल टाइट नहीं करना हाथ, हल्का हल्का ऐसे करके सब बना लेना एक एक करके। आप लोगों को मेरे वीडियो का ज़रा सा भी अच्छा लगता हो लाइक कमेंट शेयर करना फैमिली फ्रेंड सब के साथ, और जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो, ये मेरी ब्लॉगिंग वीडियो है, मैं इसमें सब कुछ दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं जो खाली रेसिपी दिखाओ तो रेसिपी दिखाओ, नहीं, काम काज सब कुछ दिखाती हूँ, जो मुझे आता है सब कुछ दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखो सब बना लिया, केक करके कोटिंग भी चढ़ा दिया इसके ऊपर। अब इसको आधा घंटे के लिए फ्रीज में रख दूंगी, तो इसको फ्रीज में रख देते। चलो इसको रहने दो रेस्ट पे आधा घंटा, आराम करने दो इसे। यहाँ पर चार आलू और ले लिए मैंने, उसको अच्छे से मैश कर लिया। मैश करने के बाद हरी मिर्च हरा धनिया डाल दिया, इसमें भी सेम जो जो मसाला उसमें पड़ा था वही वही डालूंगी इसमें, बस अदरक और लहसुन नहीं डालूंगी इसमें, बाकी सब मसाला सेम वही पड़ेगा इसके अंदर। ये बनेगा आलू टिक्की कबाब कह सकते हो, आलू कटलेट कह सकते हो, कुछ भी कह दो, जो नाम दो, बस खाने से मतलब है, बनाओ और खाओ, कहने को तो कुछ भी कह दो। आलू टिक्की कबाब कबाब कहते हैं कोई, अंडा कटलेट मतलब आलू कटलेट कहते हैं, जो मर्जी, खाने से मतलब है। तो इसको भी अच्छे से मैश कर लेना है। तो चलो इसको भी अच्छे से मैश कर लेते हैं। फिर इसके लिए एक चीज तैयार करूंगी, क्या वो नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेगा। हमारे बंगाल में तो बहुत खाते, बहुत फेमस है ये वाला, दुर्गा पूजा में चाहे जैसे यहाँ किसी भी बाजार में शाम की टाइम कोई मतलब हर किसी के घर में आता है, मेहमान नवाजी भी इससे होते हैं। जैसे मुरमुरा होता है, चाय, उसकी साथ ये जो टिक्की कबाब बना रहे हो आलू का, ये बैंगन का, ये सब चलता है। तो आलू मैंने मैश करके अच्छे से रख दिया। अब इसमें चार पांच चम्मच मैदा ले, मैदा नहीं सॉरी बेसन, इसको लेकर के अच्छे से इसको घोलना है। इसके ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला, बिल्कुल मीडियम बैटर बनाना है इसका। इसमें पड़ेगा नमक, हल्दी, मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट और हल्का सा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा सॉरी, पाउडर अलग होता है, सोडा अलग होता है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये चीज खाने में वाह मजा आ जाता है भैया। एक बार खाओगे ना तो सोचोगे क्या चीज खाया हमने, हमने तो खा भी लिया। तो मुझे तो अंडा से ज्यादा ये आलू का जो है ना ये सबसे ज्यादा बढ़िया लगा है। मेरे बच्चे ने तो दोनों चीज अच्छा खाया, अंडा भी और आलू का भी, पर मुझे सबसे ज्यादा आलू वाला पसंद आया। पापा को भी यही पसंद आया ना ज्यादा। इसको ना ज्यादा थिक करना है ना ज्यादा पतला करना है, बिल्कुल मीडियम। उंगली डुबाने पे उंगली में मतलब उंगली ना दिखाई दे ऐसे वाला कोटिंग होना चाहिए, हल्का सा एक चुटकी से भी कम बेकिंग सोडा डाल दिया। इसको अच्छे से फेंट के 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। फिर चलो दिखाते हैं। चलो अब पता है इसकी टिक्की कैसे बनाना है, हाथ में बनाओगे तो बनेगा ही नहीं, चपटा रहे आलू ना बुरबुरा वाला है वो हाथ नहीं बनेगा, हाथ की छाती चिपक जाएगा, ये फटाफटा सा बनेगा। ये पॉलिथीन लिया एक साफ सुथरा वाला गोल बनाया, उसके अंदर दबा दिया। अब जो बेसन का घोल बना रखा है ना उसमें डीप करके इसको फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई करना है बिल्कुल। देखो तेल भी गर्म हो चुका है मेरा, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी। एक बार आप खाओगे नहीं ना तो पता नहीं चलेगा, जिन लोगों को ने खाया उनको तो पता है क्या चीज़ है, जिन्होंने नहीं खाया एक बार प्लीज़ बना के खा के देखना, मज़ा आ जाएगा।
मैं तो जब से बनाना शुरू करी थी ना, मेरा बेटा तो लेता गया, खाता गया, लेता गया, खाता गया। मैंने कहा खा ले, बनाना किसके लिए, उन लोगों के लिए बना रही हूँ। खुशी परिवार वालों के लिए अगर बनाओ ना मेहनत करके, तो वो लोग अगर खुश हो जाए खा के, तो वो मेहनत मेहनत नहीं कहलाता। अपने आप को भी खुशी लगती है, हाँ भाई मतलब कुछ अच्छा चीज़ बना के खिलाया अपने परिवार को। तो चलो इसको होने देते, देखो इसको भी डीप फ्राई कर लिया अच्छे से। देखा फुलका डबल हो गया, थोड़ा सा सोडा डाला था, ये देखो बिल्कुल ऊपर का क्रिस्पी, और अंदर का आलू है वो तो थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम होगा ही, पर अंदर ऊपर का हिस्सा बड़ा टेस्टी है। कैसे था बाबू आलू की टिक्की? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। ये देखो बेसन, बेसन का कोटिंग देखो कैसा है, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला। पतला होगा तो बूंदी बूंदी हो जाएगा इसको पकौड़ा सोड़ते ही अंदर, और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो ज्यादा मोटा हो जाएगा, खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे हस्बैंड को बहुत दिन से मन कर रहा है ये वाला खाने के लिए, तो बनाए मतलब बनाना ही नहीं हो रहा है। तो चलो आलू का तो बन गया, दिखा दिया मैंने आप लोगों को। अब चलो इसको अंडा कटलेट, अंडा कबाब, अंडा कटलेट कुछ भी कह दो, इसको फ्राई करते। जिसको देखो तेल के अंदर सोड़ना नहीं आता, जैसे सोड़ते हैं अपने ऊपर तेल मतलब छिड़के अपने ऊपर ही आ जाता है, तो उसके लिए अलग टिप्स दिखाया मैंने। हमें तो भाई करते करते आदत सी पड़ गई है किचन में काम, फिर भी मैं कितना जलती हूँ। आज भी जल गया मेरा हाथ, कढ़ाई की एक किनारा लग गया था मेरे हाथ में। इसको देखो कैसे पलटना है, बिल्कुल आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। अगर एकदम से पलटोगे ना तो इसका कोटिंग सब बिगड़ जाएगा, सब तेल ना खराब हो जाएगा। तेल तो वैसे भी खराब हो ही रहा है, पर अगर ऐसे धड़ाम से करोगे तो बिल्कुल सारा तेल नहीं बेकार हो जाएगा, न खाने का लायक बचेगा न कुछ। तो चलो अगले प्रोसेस, ये देखो फ्राई कर लिया आराम आराम से, क्योंकि ब्रेड क्रम्स है ना इसके अंदर, तो ज्यादा जलने का डर रहता है। इसको धीरे धीरे गैस लो फ्लेम में इसको फ्राई करना है, बिल्कुल ही लो फ्लेम में। देखो कितना सारा तेल डाला था, कितना हो गया, कितनी ऑयल। तो ये देखो बन गया मेरा अंडा कटलेट, आलू कटलेट। छला इधर सलाद रखी है, चटनी, लाल चटनी, हरी चटनी, सब कुछ रखी है जो खाना है। चलो हम लोग खाने को बैठे, आप लोग आ जाओ खा लो। मेरा बेटा तो जब से बन रहा है तब से ही खाया जा रहा है, कह रहा है मुझसे रोका नहीं जा रहा है, तो हम खा रहे। हमने तो पहले ही बता रखा है हमारे घर में चाय को बहुत कम बनती है, हम चाय नहीं खा रहे, मतलब पी नहीं रहे। पकौड़ा खा रहे, बहुत ज़बरदस्त बना है, बच्चे भी खुश, हम भी खुश, सारे खुश। तो मेरे वीडियो यहाँ तक, और आगे नहीं बढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना है, टाटा बाय। सब अपने अपने घर पर रहना, अपना अपना ख्याल रखना। गुड नाइट।